दिल्ली में घुसे आतंकी आखिर कैसे घुस गए? देखिए, यही वो वक्त होता है स्वतंत्रता दिवस जब करीब होता है, हमेशा ये कोशिश होती है कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली, क्योंकि यहां से अगर आप कुछ करते हैं तो वो गूंज सुनाई देती है पूरे देश भर में। और यहां पर दरअसल अपने नापाक मंसूबों को लिए इनका एक और खतरनाक प्लान था, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने पहले ही इसे नाकाम कर दिया। लेकिन सवाल कुछ खड़े होते हैं। देखिए, त्योहारों का समय है, स्वतंत्रता दिवस का समय है, 6 दिन बाकी हैं। 15 अगस्त पर दिल्ली आतंकियों के क्या निशाने पर है, ये सवाल उठा रहे हैं हम। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले का खतरा है क्या, जिस तरह का टिप ऑफ मिला? आखिर क्यों वो पूरे पोस्टर्स जो हैं पूरी राजधानी में चस्पा कर दिए जाते हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आईसिस का आईईडी एक्सपर्ट है जो दिल्ली में पकड़ा गया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, और नाम इसका रिजवान है। आतंकियों ने दिल्ली में 2 आईईडी ब्लास्ट की टेस्टिंग की। दिल्ली में कहां कहां पर ये टेस्टिंग की, कहीं आपका इलाका तो नहीं था, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर आईसिस आतंकी दिल्ली क्यों आया था, आखिर क्या उसका प्लान था, और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल थे? जाहिर तौर पर ये वो तमाम चीजें, ये वो तमाम बातें वो उगलेगा, ये वो तमाम बातें उगलेगा। लेकिन इस बीच क्या और जानकारी मिल रही है, वो भी सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। दिल्ली में एक बड़ी आतंकी साजिश को रचने का पूरा प्लान किया गया था, जिसे नाकाम कर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। आईसिस का ये खूंखार आतंकी रिजवान अली, जिसकी गिरफ्तारी हुई, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई? बायोडायवर्सिटी पार्क। हाँ, आप में से जो लोग वहां पर रहते हैं उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, और किस तरह से ये पूरा ट्रैप जो है वो किया गया, पूरा जाल जो है वो बिछाया गया, वो आगे आपको अपने इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है, ये उसको टिप ऑफ मिलता है और फिर उसके हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो रेडी किया जाता है, और उसके बाद उसी एक्शन प्लान के तहत, उसी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा जाता है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है रिजवान, और UAPA एक्ट लगाया गया है, UAPA लगाया गया है, उसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। तो आप समझ जाइए कि कितना खूंखार ये आतंकी होगा। एनआईए ने UAPA के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था, उसकी वांटेड लिस्ट में ये था रिजवान पर। एनआईए ने रखा था 3 लाख का इनाम, जो भी इसके बारे में जानकारी देगा। दिल्ली के दरियागंज का ही रहने वाला है ये आतंकी, लेकिन पिछले 2 साल से इसका कोई अता पता नहीं था, ये अपने घर में नहीं रह रहा था, ये छोड़कर भाग गया था, उस पर भी आऊंगी। लेकिन आईसिस का पुणे मॉड्यूल, जिसका सक्रिय आतंकी है ये, और पुणे का वो जो शाहनवाज मॉड्यूल आपको याद होगा, पुणे में किस तरह से कुछ लोग उस वक्त पकड़े गए थे, उस वक्त ये भाग गया था। तभी से तलाश थी एनआईए को इसकी, तभी से एजेंसीज को इसकी तलाश थी। पुणे पुलिस की कस्टडी से उसी वक्त फरार हुआ था रिजवान अली। हालांकि इसके जो कुछ सहयोगी हैं, कुछ सदस्य जो हैं इसके, इस शाहनवाज मॉड्यूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पकड़े गए थे, लेकिन ये उस वक्त भाग गया था। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रिजवान अली की। रिजवान अली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यूं तो दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला था, लेकिन पिछले 2 साल से पुणे में ये रह रहा था, पुणे में रह रहा था। और आइए इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी हमें हाथ लगी, वो जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। और कैसे ये पूरी गिरफ्तारी हुई, कैसे वो पूरा जाल, वो पूरा ट्रैप जो है वो रचा गया, ये हम आपको यहां बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कैसे ये गिरफ्तारी होती है, दिल्ली पुलिस को आतंकी का, इस आतंकी यानी कि रिजवान अली का इनपुट मिला। बायोडायवर्सिटी पार्क, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये उनको इनपुट मिला था कि वो वहां पर आ सकता है या आने वाला है। इसका इनपुट मिलने पर पुलिस, उसके जो स्पेशल सेल है, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, और आतंकी को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया जाता है। रात 11 बजे का वो वक्त था जब आतंकी रिजवान उस तय जगह पर पहुंचता है, जिसने उसको वहां पर बुलाया था और जिसने पुलिस को भी इत्तला की थी। दिल्ली पुलिस ने आतंकी रिजवान को दबोच लिया। आतंकी से .30 बोर की एक स्टार पिस्टल बरामद की गई है, 3 कारतूस बरामद किए गए हैं और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, और इन मोबाइल फोन का जो डेटा है वो खंगालने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से एक अपडेट यहां पर ले लेते हैं साहिल, क्या अपडेट, क्या अभी तक इससे पूछताछ में निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए
पुणे मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली जो इस समय स्पेशल सेल की गिरफ्त में, उससे पूछताछ की जा रही, क्योंकि इसके जो दो साथी हैं उसको पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। अब ये माना जा रहा है कि एक अहम कड़ी जो है ये रिजवान अली है, क्योंकि ये 15 अगस्त से पहले इसकी गिरफ्तारी करने का ये दर्शाती है कि दिल्ली पुलिस का एक इनपुट जरूर मिला था कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, क्योंकि रिजवान अली ने दिल्ली में वीवीआईपी इलाकों की रेकी की थी और उसके बाद कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर ये दिल्ली आया था, दिल्ली में किसके घर पे रुका हुआ था, कितने समय से दिल्ली में यहाँ पे रह रहा था, जो इससे हथियार जो कार्टिजेस बरामद किए गए हैं वो सोर्स क्या था, और इससे पहले पुणे में किसकी लोकेशन पे रुका हुआ था, इसके और जो सिंडिकेट मेंबर है वो कहाँ कहाँ पे छिपे हुए हैं, ये तमाम सवालों के जवाब है वो स्पेशल सेल जो है इससे फिलहाल इंटरोगेशन में हासिल करने की कोशिश कर रही, क्योंकि पुणे मॉड्यूल ठीक फिलहाल शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तस्वीरें हम यहां पर दिखा रखे हैं, ये वो तस्वीर जिससे पूछताछ लगातार जारी है, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं रिजवान अली, जिससे जो एजेंसीज हैं उनकी पूछताछ जारी है, सुरक्षा एजेंसी रिजवान से पूछताछ कर रही है, क्या उसका प्लान था, कौन कौन और लोग उसके साथ इसमें शामिल थे, आतंकी के प्लान का पता लगाने की पूरी कोशिश एजेंसी द्वारा की जा रही है, रिजवान के मोबाइल का जो डेटा है उसकी भी जांच जारी है, किस किस से इस दौरान बात की, किस किस किसके कहने पर ये यहां आया और क्या कुछ और था, कौन कौन लोग और इस वक्त वो कहां पर हैं, रिजवान कहां कहां गया, इसकी भी जांच की जा रही है, किन किन लोगों को अपने साथ लेता गया, क्या क्या वो प्लानिंग थी, किसको कहां क्या करने के लिए कहा गया था, रिजवान 15 अगस्त से पहले दिल्ली क्यों आया, वो मकसद उसका क्या था, वो जानने की कोशिश हो रही है, दिल्ली में आईईडी ब्लास्ट कर टेस्टिंग आखिर उसने क्यों की, दिल्ली में दो जगहों पर ये टेस्टिंग की गई थी, मुख्य एजेंसीज इन सब का पता लगाने में जुटी हुई है ये माना जा रहा है। तो दिल्ली के जो वो दो इलाके थे मैं आपको बता दूं, उसमें से एक तो था यमुना बैंक का इलाका और दूसरा था ओखला का इलाका, ये वो दो इलाके थे दिल्ली के जहां पर बाकायदा आईडी ब्लास्ट कर वहां पर टेस्टिंग की जाती है, तो आप इसी से इसके मंसूबे तो समझ सकते हैं कि यहां पर ये क्या करने के लिए आया था, लेकिन कितना खूंखार आतंकी है ये रिजवान अली। आतंकी रिजवान अली एक आईईडी एक्सपर्ट है, आईसिस के पुणे मॉड्यूल से आईईडी बनाने की ट्रेनिंग इसने ली है, दिल्ली और मुंबई के जो वीवीआईपी इलाके हैं बकायदा वहां पर इसने रेकी भी की थी, ना केवल दिल्ली बल्कि उत्तराखंड में भी आईईडी ब्लास्ट की टेस्टिंग की, और उत्तराखंड में हल्द्वानी का वो इलाका था, तो मतलब दिल्ली में यमुना बैंक में वो जाकर टेस्टिंग करता है, उस इलाके में वो ओखला में जाकर करता है और उत्तराखंड में हल्द्वानी में जाकर इस ब्लास्ट की टेस्टिंग की जाती है, दिल्ली के यमुना बैंक में आईईडी ब्लास्ट टेस्ट किया गया, ओखला इलाके में किया गया, उत्तराखंड में किया गया, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से अब वो तमाम जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो आज के प्रहार के सफर में फिलहाल इतना ही।